हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमादी पशिने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप फोर्थ। ग्रुप फोर्थ के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो है टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम। पहले हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसे मैं थोड़ा सा लार्ज कर रही हूँ। इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखें, इस पीरियोडिक टेबल में जो हमारा ग्रुप थर्ड है, ठीक है, ग्रुप थर्ड की स्टडी हमने प्रीवियस वीडियो में की है, जिसके अंदर जो हमारे एलिमेंट आते थे वो थे स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज हमें जिस ग्रुप की स्टडी करनी है वो ग्रुप है ग्रुप फोर्थ, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल के एस और पी ब्लॉक के बीच में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, उस एलिमेंट का चौथा ग्रुप है, ठीक है, जिसे जिसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें ग्रुप फोर्थ के अंदर जो आते हैं हमारे टाइटेनियम, जर्गोनियम और हाफनियम। आज इसकी स्टडी हम इस वन बाय वन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम है, टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, ठीक है, टाइटेनियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 22 होता है, जिसका सिंबल है Ti, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है Ar3d2 4s2। Ar जो है वो ऑर्गन को डिनोट करता है और इस कॉन्फ़िगरेशन में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में इंटर करते हैं, जिसके कारण हम इसे 3d सीरीज भी कहते हैं। सेकेंड जो एलिमेंट आता है ग्रुप फोर्थ में वो है जर्कोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 40, जिसे हम Zr से डिनोट करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है Kr 4d2 5s2, जिसमें Kr जो होता है वो क्रिप्टॉन को डिनोट करता है और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4d ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। देन थर्ड एलिमेंट आता है ग्रुप फोर्थ में हाफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 72, जिसका सिंबल है HF, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xe 4f14 3 5d2 6s2, जिसमें Xe तो है वो ज़ीनॉन को डिनोट करता है और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5d ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइटेनियम के बारे मैंने ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, जिसमें से पहला आता है टाइटेनियम इज़ ए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। टाइटेनियम जो होता है ग्रुप फोर्थ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पाया जाता है, जिसके बारे में अभी हम स्टडी इसकी प्रॉपर्टीज़ में करेंगे। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड जो है इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो पिगमेंट और फिलर बनाने में यूज़ की जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है इट इज़ अ गुड करोजन रेजिस्टेंस। टाइटेनियम जो होता है बहुत ही अच्छा संक्षारण प्रतिरोध होता है, मतलब एज अ प्रतिरोधक के रूप में टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है टाइटेनियम क्लोराइड। टाइटेनियम क्लोराइड जो होता है एक प्रकार का बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट है, जिसे कि हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं, और इस कैटलिस्ट का यूज़ हम फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन एंड पॉलीमर में करते हैं। मतलब जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा उत्प्रेरक है, जिसका यूज़ पॉलीथीन और पॉलीमर्स बनाने में किया जाता है। अब यदि हम बात करते हैं जर्कोनियम और हाफनियम की, तो जर्कोनियम और हाफनियम का जो यूज़ है वो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में किया जाता है। नेचर में टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम जो होते हैं वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें से टाइटेनियम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो हमारे एलिमेंट्स है वो ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले टाइटेनियम जो होता है वो इल्मेनाइट या फिर रूटाइल के फॉर्म में पाया जाता है। इल्मेनाइट का फार्मूला है Fe Ti O3 और रूटाइल का फार्मूला है Ti O2। जर्कोनियम जो होता है वो जिरकॉन ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका फार्मूला है Zr SiO4। और हाफनियम जो होता है वो जर्कोनियम ओर्स के फॉर्म में नेचर में पाया जाता है।
अब इसके अब हम इस आगे देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ग्रुप फोर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, जर्कोनियम और हाफनियम एलिमेंट्स की जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। मीन जो हमारा जर्कोनियम है और जो हमारा हाफनियम है इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाएगी। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट जो होते हैं अपने 3D एलिमेंट टाइटेनियम से कम सिमिलैरिटी, मतलब जो हमारा टाइटेनियम होता है, ठीक है, टाइटेनियम जैसा कि आप जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल का हमारे टी ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। ठीक है, और जर्कोनियम और हाफनियम जो होता है वो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होगी, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़, ठीक है, सिमिलैरिटी पाई जाएगी। सिमिलैरिटी पाई जाने का कारण क्या है? लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जिसके कारण टाइटेनियम जो होता है वो जर्कोनियम और हाफनियम से डिसिमिलैरिटीज शो करता है। ठीक है, ग्रुप फोर्थ के जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट जो होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, ठीक है, और सिल्वर के समान गोल्ड का वाइट कलर के होते हैं। जो हमारा चांदी होता है, चांदी वाइट कलर का होता है, उसी तरह टाइटेनियम जर्कोनियम और हाफनियम भी जो होते हैं वो सिल्वर के समान वाइट कलर में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। हाई टेम्परेचर पर इनकी जो मेटालिक स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण का टेम्परेचर भी क्या होगा? हाई होगा। तो टेम्परेचर हाई होने के कारण इनका जो मेटालिक स्ट्रक्चर होता है टाइटेनियम जर्कोनियम और हाफनियम का वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक एक एलिमेंट के बारे में एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई आप सभी जानते हैं कि जब